इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक DVGD जांत्रिक 222 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 322 पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के बारे में। इस समय की जॉब अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को बता दें कि किसी ना किसी स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसमें उम्र क्या रहेगी, इसमें एज क्या रहेगी, एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है, सेंटर, पूरा डाटा इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आपको बता दें कि जो वैकेंसी निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में, इसमें जिसकी पोस्ट की बात करें, वैकेंसी की बात करें तो 322 पोस्ट हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर ऑल इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो रहेगी वो आप लोगों को बता दें कि ये फॉर्म जो है वे 4 जनवरी को निकलेगा। ध्यान रखें, अभी तक ये फॉर्म निकला नहीं है, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। ये फॉर्म निकलेगा 4 जनवरी 2022 को और इसकी लास्ट डेट बता दें तो लास्ट डेट है 14 जनवरी को। सिर्फ कोई कम से कम 10 से 15 दिन ही खोलेगा। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही। आपको क्लियर करवा दें, मेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल करें, फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक। और बाकी आपको बता दें कि न्याबिक की पोस्टिंग की उम्र की भी आप लोगों ने देख ली होगी, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक। जनरल ड्यूटी की वैकेंसी 260 हैं। यहाँ पर आपकी 12th पास होनी चाहिए और साथ में मैथ और फिजिक्स। आर्ट्स वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में 35 पोस्टें हैं, सिर्फ 10वीं पास वाले कैंडिडेट फिल सकते हैं। यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा वगैरह चाहिए होता है। और दोस्तों, अगर आप लोग 12th में फिजिक्स और मैथ से पास हैं तो आप लोग नेविक जनरल ड्यूटी कोस्ट गार्ड का फॉर्म ज़रूर फिल करें। जम्मू कश्मीर वालों को एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि कल को अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिर कर देते हैं, तो आप लोगों को रिटर्न देने जाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका रिटर्न होता है, उसके बाद इसकी दौड़ वगैरह होती है। दौड़ ज़्यादा नहीं होती, 1600 मीटर रनिंग होती है, 7.5 या 8 मिनट्स मिलते हैं। इसलिए आप लोग अब एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग भी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आपको बता दें कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में 2022 में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है, इसलिए लगातार इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, आर्मी सभी यहां पर धीरे धीरे वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर देंगे। आपको पूरा डाटा मैंने इस वीडियो में समझा दिया है, जिसको समझने आई वो दोबारा देख सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट्स हमारे चैनल पर दी जाती है। आप लोग, आपको बता दें कि इसमें आपका सबसे पहले वैकेंसी मेंशन की गई है। दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का रिटर्न होगा, रिटर्न सबसे ज़्यादा आप लोगों को बता दें कि मैटर करता है, इसलिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिटर्न होता है, सिलेबस भी इसमें लिखा होता है, बुक आप लोगों को नेट में मिल जाएगी। 1600 मीटर रनिंग होती है इसमें और 7 मिनट्स का टाइम मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इसका रिटर्न टेस्ट होता है, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर आपको बता दें कि इसका रिटर्न कहाँ पे होता है, क्योंकि आप लोगों को जब फॉर्म जो फिल करना है ना, उस टाइम आप लोगों को इंटरनेट वाले के पास बैठ कर या उनको आप लोग पूरा डाटा बता के वो खुद फॉर्म को फिल कर देंगे और आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे प्रॉपर देखें। अगर किसी को SNCC वगैरह स्पोर्ट्स है वो भी आप लोग साथ में लगा लीजिएगा। फ़ीस 250 रुपये रहेगी, फ़ीस मैंने बता दी है ऊपर। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की बात करें तो मार्च के महीने में या फरवरी के महीने में ही ये आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि जैसे रिटर्न पास होता है उसके 1-2 दिन में ही रनिंग हो जाती है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट, कम सबसे कम हाइट कोस्ट गार्ड नेवी में मांगी जाती है, इसलिए आपके पास ये बड़ी अच्छी जॉब है। दोस्तों, फुल फैसिलिटी मिलती है, फुल जहाँ पर इंडियन आर्मी जैसा ही सिस्टम है, पेंशन वगैरह पूरा डाटा आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी बात करें हम, लास्ट डेट आप लोगों को बता दी, इसलिए ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर जलंधर में ही रहता है इसका, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर वालों को भी जलंधर में जाना पड़ता है, अमृतसर में जाना पड़ता है, दूर नहीं, बस है, ट्रेन का रास्ता है, इसलिए आप लोग फॉर्म को फिल करें। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों की उम्र ज़्यादा तो नहीं होगी, क्या आप लोग इंडियन आर्मी का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग टी आर्मी का इंतजार कर रहे हैं, क्या आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसलिए ऑल द बेस्ट।